आज हम बनाएंगे दाल पकवान और दाल पकवान चाट। मैंने स्क्वायर पकवान बनाए हैं। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, मेरी अपनी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत फेमस सिंधी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे मैंने अपने तरीके से बनाया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए हम रेसिपी देख लेते हैं। पकवान बनाने के लिए लगने वाली सामग्री बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है। यूजुअली पकवान पूरी तरह मैदे से बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर मैदा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून रवा लिया है सूजी, और 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने काली मिरी पाउडर लिया है। आप 1/2 टीस्पून भी ले सकते हो। हमें यहाँ पे मोइन के लिए एकदम गरम तेल लगेगा। ये सब मिक्स करके हमें अच्छे से आटा गून लेना है। जैसा हम पूरी के लिए आटा गूनते हैं वैसा आटा हमें लगाना है। पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैदा, रवा, अजवाइन, जीरा और काली मिरी पाउडर, ये सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हमें गरम तेल डालना है। आटे को मिक्स करना है। ऐसे हमारा आटा बनता है, इसका मतलब हमारा मोइन सही है। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेना है। देखिए हमारा आटा लग चुका है, सॉफ्ट आटा किया है, बहुत सख्त भी नहीं करना है। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा के हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम अपनी दाल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने चना दाल ली है, इसे अच्छे से धोकर मैंने गर्म पानी में 1.5 से 2 घंटा भिगो दिया था। आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। हम 2.5 कप पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि दाल हमारी हल्की बनती है और थोड़ी जल्दी भी कुक हो जाती है। अगर आप चाहे तो बिना बेकिंग सोडा डाले भी अपनी दाल कुक कर सकते हैं। मैंने हींग भी लिया है, नमक और हल्दी। दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। 2 व्हिसल लेंगे। 2 व्हिसल लेने के बाद 5 मिनट के लिए गैस स्लो करके छोड़ देंगे। और जब हम गैस बंद करेंगे और कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम हमारा कुकर ओपन करके चेक करेंगे कि हमारी दाल कुक हुई है या नहीं। 15 मिनट हो गए हमें आटा लगा के। हमें फिर से इसे थोड़ा सा गूंद लेना है और फिर हम इसके पकवान बनाएंगे। आप छोटे छोटे पहले ऐसे बॉल्स बना लीजिए। आपको चपाती की तरह इसे बेलना है, लेकिन हम जितनी चपाती पतली करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पतला बेलना है। हम पहले इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कर सकें। यूजुअली पकवान राउंड और साइज में बड़े होते हैं। मैं स्क्वायर पकवान बना रही हूँ क्योंकि स्क्वायर पकवान खाने में इजी पड़ते हैं और आप उससे दाल पकवान चाट भी बना सकते हैं। जैसे हम रगड़ा पूरी खाते हैं या रगड़ा चाट खाते हैं तो उस रगड़ा की जगह पर हम दाल का इस्तेमाल करके इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए हमें ऐसे फोक करना है। फोक करने से क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाने के बाद फूलेंगे नहीं,
और हमें फूले हुए पकवान नहीं खाने हैं, इसीलिए इसे फोक करना जरूरी है। आपको जैसा भी जितना भी बड़ा स्क्वायर चाहिए आप वैसे कट करके ले सकते हैं। आपको चपाती की तरह इसे बेलना है, लेकिन हम जितनी चपाती पतली करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पतला बेलना है। हम पहले इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से स्क्वायर शेप में कट कर सकें। यूजुअली पकवान राउंड और साइज में बड़े होते हैं। मैं स्क्वायर पकवान बना रही हूँ क्योंकि स्क्वायर पकवान खाने में इजी पड़ते हैं और आप उससे दाल पकवान चाट भी बना सकते हैं। जैसे हम रगड़ा पूरी खाते हैं या रगड़ा चाट खाते हैं, तो उस रगड़ा की जगह पर हम दाल का इस्तेमाल करके इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए हमें ऐसे फोक करना है। फोक करने से क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाने के बाद फूलेंगे नहीं और हमें फूले हुए पकवान नहीं खाने हैं, इसीलिए इसे फोक करना जरूरी है। आपको जैसा भी जितना भी बड़ा स्क्वायर चाहिए आप वैसे कट करके ले सकते हैं। अब हम हमारे पकवान फ्राई कर लेंगे। थोड़ा गैस सिम कर दीजिए अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो, वरना ही इमीडिएटली ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने यहाँ पे आटा इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो आप पूरा मैदा लेके पकवान बना सकते हैं। इसमें आप रवा मत डालिएगा, पूरा 2 कप मैदा लेके पकवान बना सकते हैं। हमें ऐसे सुनहरे तल लेने हैं पकवान। देखिए हमारा कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हम चेक कर लेंगे हमारी दाल रेडी हुई है या नहीं। देखिए हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई है। दाल पकवान की जो चना दाल होती है वो ऐसी ही अक्खी अक्खी खाई जाती है। अगर आपको इस तरह से दाल खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्मैश कर सकते हैं। मैं आपको दाल प्रेशर कुक होने के बाद हमें बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एज पर आवर टेस्ट, हरा धनिया और यहाँ पे मैंने आधा नींबू कट करके ले लिया है। मैं उसका रस दाल में डालने वाली हूँ। आपको चाहिए तो आप इमली भी यूज कर सकते हैं या आप दाल पकाते वक्त टमाटोज भी डाल सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे ग्रीन चिली और करी लीव्स भी दाल बघारते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब हम दाल को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें ग्रीन चिली, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट और कड़ी पत्ता डाल दिया है। हम इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस थोड़ा यहाँ पे स्लो कीजिएगा। देखिए हमारी ग्रीन चिली, करी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर हमारे बाकी के ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे ड्राई मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए अब हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे और फिर हम हमारी दाल डालेंगे।
थोड़ा कम सॉल्ट डालिएगा, क्योंकि हमने दाल को कुक करते वक्त प्रेशर कुकर में भी सॉल्ट डाला था। अब हम हमारी दाल इसमें डालेंगे। इसी स्टेज पे मैं हरा धनिया भी डाल दूंगी, आधा अभी डालूंगी और आधा बाद में। हमें दाल को 5 मिनट्स तक बॉईल करना है। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे और फिर से बचा हुआ धनिया गार्निश करेंगे। हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं गैस बंद करने से पहले इसमें आधा नींबू का रस डालूंगी और हमारा बचा हुआ धनिया। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद ना हो तो आप नींबू का रस थोड़ा कम डाल सकते हैं। हमारी दाल रेडी है, अब हम हमारा दाल पकवान सर्व करेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।